ये है डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तुषार जी ने। मैं बाइक राइडिंग में बेहद दिलचस्पी रखता था। मैं हर वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर राइडिंग के लिए जाया करता था, मगर इस घटना ने बाइक राइडिंग से मेरी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म कर दी। दरअसल हुआ यह था कि शनिवार का दिन था जब मैं राइडिंग के लिए निकला था। मेरे साथ मेरे दो चार दोस्त भी थे। हम लोग राइडिंग से घर वापस लौट रहे थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। यूं तो हम लोग सूरज ढलने से पहले ही घर लौट जाते थे, मगर उस दिन हमें किसी कारणवश देरी हो गई थी। अभी हम लोग जिस सड़क पर थे वह सड़क बेहद सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। तभी हम लोगों को किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही हमने तुरंत बाइक रोक दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि चीखने की आवाज़ किसी महिला की है। चीखने की आवाज़ से पता चल रहा था कि वह महिला मुसीबत में है। लिहाजन हम लोग उसकी मदद के लिए जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में हम लोग अलग अलग दिशाओं में बट गए ताकि हमें वह महिला जल्द मिल जाए। अभी मैं जंगल के चारों तरफ देखते हुए उस महिला को ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि झाड़ियों के बीच अपना सर झुकाए बैठी थी। उसे देखते ही मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आप इतनी रात गए जंगल में कैसे? अभी मैं उस औरत से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, भूख लगी है। लगी है। इस आवाज के साथ ही उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और अजीब सा मुंह उसे आम इंसानों से अलग कर रहा था। यह सब देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं गिर गया। मेरी चीख सुनकर मेरे दोस्त वहां आए। मेरे दोस्तों के वहां आते ही वह औरत हवा में धुआं हो गई। उसके बाद पूरे रास्ते मैं डरता ही रहा और घर आकर ही मैंने राहत की सांस ली। तो दोस्त